डिफरेंट आई हैव सम क्वेश्चंस के क्या हम आर्टिकल द को मेन और वुमेन के साथ यूज कर सकते हैं या नहीं, या कोई प्रॉपर नाउन हो जाए, फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट, चेस, प्रॉपर नाउन के साथ द को यूज किया जा सकता है या नहीं, और यूनिक थिंग्स जो हैं उनके साथ आर्टिकल द को यूज कर सकते हैं या नहीं, और कौन कौन वो यूनिक थिंग्स हैं जिनके साथ आर्टिकल द को यूज किया जाता है, क्या आपको पता है? और आज के लेक्चर के एंड पर हम क्वेश्चन सर्टेन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। डिफरेंट यहाँ पर जो ये आर्टिकल द लिखा हुआ है इसको मैंने सर्किल कर दिया है, यहाँ पर ये आर्टिकल द क्यों लगा, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या आपको उसका पता है या नहीं? ओके ना, कोई मसला नहीं, इन चीज़ों को तो सॉल्व करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू LWK चैनल। डिफरेंट दिस इज पार्ट 12 एंड इन दिस लेक्चर टुडे वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिकल। ऊपर मैंने लिंक दे दिए, वहाँ पर उस लिंक पे जाइएगा जरूर, क्योंकि वहाँ पर हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स को डिस्कस किया है, ए और एन को। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल द को, जो कि है डेफिनेट आर्टिकल। इसको डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था, क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस इज डेफिनेट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू द पार्क, अब यहाँ पर द की जगह पे ए भी लग सकता है, मगर मैंने द लगाया है, क्यों? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पार्क की बात कर रहा हूँ, एक पार्क जो कि हमारे टाउन में, हमारे शहर में छोटी सी खूबसूरत सी पार्क, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का जब मामला हो, इस तरह का मुआजरा हो, इन दैट सिचुएशन वी पुट आर्टिकल द। फ्रेंड आर्टिकल द के बहुत सारे यूजेजेस हैं, आज हम इस लेक्चर में 10 यूजेजेस को यूज करेंगे और देखेंगे उनको, और दीज आर इनफ इफ यू नो ऑल दीज 10 यूजेजेस ऑफ आर्टिकल द। ये बहुत हैं, इनसे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर ये आपको आना लाजमी है। फर्स्ट यूजेज है कि पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज आर्टिकल द। लेट्स गो टू द पार्क, द गर्ल क्राइड, यहाँ पर कोई, यहाँ पर गर्ल के साथ ए भी लग सकता है, मगर मैंने द लगाया, इसका मतलब है आई एम रिप्रेजेंटिंग टू ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ गर्ल हु इज क्राइंग। कोई खूबसूरत सी लड़की में भी रो रही हो, आई एम रिप्रेजेंटिंग टू दैट गर्ल। दूसरा यूजेज है वेन कोई सिंगुलर नाउन हो और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल द काओ इज अ यूजफुल एनिमल, यहाँ पर काओ जो है वो पूरी क्लास ऑफ काओस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये काओ ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की गाओ को भी इंक्लूड कर रही है ये गाओ, ये जापान की गाओ, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ जहाँ पर गाय हैं वहाँ उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन सिचुएशन में वी कैन यूज आर्टिकल द। गाओ इज अ यूजफुल एनिमल, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। ये फ्रेंड्स हम मेन और वुमेन के साथ अगर आर्टिकल द न लगाएं तब भी सेंटेंस परफेक्ट है, सही है, तो यहाँ पर आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है। इनके बगैर भी मेन और वुमेन से वुमेन का सेंटेंस बन सकता है, वुमेन इज मेन्स मेट, तो यहाँ पर हेयर ये भाई औरत जो है वो मर्द की दोस्त है, तो यहाँ पर आर्टिकल द के बगैर ये सेंटेंस बिल्कुल ही पूरा है, एंड देयर इज नो एनी एरर। तीसरा यूजेज है कि आर्टिकल द को प्रॉपर नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है और वो होता है, फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है, तो गंगा, द इंडस जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, और पैसिफिक सबसे बड़ा दुनिया का ओशियन, सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है, हिमालयाज, और कुछ मुल्क जो रिपब्लिक्स हैं या जो कि किंगडम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल KSA है, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, वहाँ पर हम जो द लगा सकते हैं, द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि प्रॉपर नाउन के साथ हाँ द लगता है, मगर अगर नाम हो वक्त या कोई और नाम हो तो क्या आप वहाँ पर द लगाओगे या नहीं, इसका आंसर मैं आपको आगे चलते दूंगा। Before the names of certain books के साथ भी आर्टिकल द लगता है, रविदास, होली कुरान, द बाइबल, दोल, मगर ये बताएं कि यहाँ पर ये जो द है जिसको मैंने सर्किल किया है, ये यहाँ पर द क्यों लगा, कोई मसला नहीं, इनको इसको भी इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को भी। बिफोर नेम्स पांचवा यूज है, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, यूनिक चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल स्काई, सन, ओशन, एटसेट्रा। तो ये था, डियर फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल,
अब आते हैं पर के, क्या वकास के साथ लगेगा या नहीं। ये देखें, एक प्रॉपर नाउन हो उसे उसके साथ कोई एडजेक्टिव हो जो उसको क्वालिफाई कर रहा हो, तो वहां पर हम लगा सकते हैं क्या आर्टिकल द। प्रॉपर नाउन उसके साथ एडजेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल एक नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर सिचुएशन में। मगर यहाँ पर द नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि गर्ल जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, कॉमन नाउन है। तो अब यहाँ पर जब प्रॉपर नाउन, फॉर एग्जाम्पल द मिस्टर रॉय, अब रॉय जो है एक पर्टिकुलर बंदा है, एक प्रॉपर बंदा है, एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर द रॉय नहीं है, द मिस्टर रॉय, तो मिस्टर यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर यूज हुआ, रॉय प्रॉपर नाउन है, उसके साथ इस सिचुएशन हम द को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है वकास के साथ द नहीं लगेगा जब तक कि उसके साथ एडजेक्टिव ना लग जाए। मिस्टर, द मिस्टर वकास इज अपॉइंटेड एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन पुलिस। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। सेवंथ यूज है विद सुपरलेटिव, द डार्केस्ट आवर, लेपर्ड इज द फास्टेस्ट एनिमल, फॉर एग्जाम्पल डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, डार्केस्ट की सुपरलेटिव है, डार्कर कंपैरेटिव डिग्री है, और डार्क जो है फर्स्ट डिग्री। चले एट्थ नंबर है विद ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब होता है कोई रैंक वगैरह, कोई सीक्वेंस वगैरह, फॉर एग्जाम्पल भाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज अ सीक्वेंस हियर, तो यहाँ पर हम उस वहाँ पर उनको ऑर्डिनल कहते हैं। तो ऑर्डिनल के साथ आर्टिकल द लगता है। He is the first in class. यहाँ पर first के साथ the लग गया। The ninth chapter was really interesting. Ninth number. ये friend यहाँ पर मैंने पीछे आपसे question पूछा था, names के साथ the लगा हुआ था, मैंने कहा ये क्यों है, circle एक बनाया हुआ था, तो वहाँ उसका answer अब आएगा। Before a noun with emphasis to give the force of a superlative. एक noun हो जो कि एक emphasize कर रहा हो किसी चीज़ को, खुद noun किसी दूसरी चीज़ को उभार कर दिखा रहा हो, तो वहाँ पर हम उस noun के साथ लगा सकते हैं क्या आर्टिकल द को। सिंपल देखें, द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस, यहाँ पर जो वर्ड है नाउन है, और ये नाउन इम्फेसाइज कर रहा है किसको, इस वर्ब को, कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब एक वर्ड है जुमले के अंदर। यहाँ पर ये जो वर्ड है इसके साथ हमने आर्टिकल द लगा दिया, क्योंकि ये जो वर्ड है वो इम्फेसाइज कर रहा है किसको, वर्ब को। तो जब इम्फेसाइज कर रहा हो कोई नाउन, तो वहाँ पर उस नाउन के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड है ये चीफ वर्ड है, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस का क्रक्स दे रहा है, ये वर्ब को एक एक वर्ब की निशानदेही कर रहा है, बस वर्ब को, वर्ब के बारे में कुछ कह रहा है। अब इस एग्जांपल को देखें, बिफोर, ये एग्जांपल मैंने पीछे पूछा था, बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, यहाँ पर द भी इसी वजह से यूज हुआ है क्योंकि आगे जो है वो नाउन लगा हुआ है, नेम्स, नेम्स, ठीक है, और ये जो है वो किसको, इसको जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है किस चीज के बारे में, सर्टेन बुक्स के बारे में, जस्ट बिकॉज दैट कैन बी एपुट आर्टिकल द, ठीक है जनाब। और दूसरी बात कि नेम जो है ये प्लूरल फॉर्म में और ज़्यादा हैं, तो इस वजह से भी द लगाए। अब जाहिर सी बात यहाँ पर ए या एन तो लग नहीं सकता, तो यहाँ पर इस वजह से भी आर्टिकल द लगाए, ठीक है जनाब। लास्ट यूजेज है एज इन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, कंपैरेटिव जब कोई कर रहा हो एडवर्ब हो और वो कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा हो, तो उस एडवर्ब के साथ हम आर्टिकल द को लगा सकते हैं। द मोर द मेरियर, द मोर द गेट, द मोर द वॉन्ट, क्योंकि इंसान है, पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड, जुमला है ना, पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड, द मोर द गेट, जितना ज्यादा मिलता है, द मोर दे वॉन्ट, वो तो उससे भी ज्यादा चाहते हैं। आज हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज हमने ये चीज सीखी, ठीक है, आर्टिकल द जो कि डेफिनेट आर्टिकल है वो पर्टिकुलर चीजों के साथ यूज होता है, क्लास हो मतलब पूरी क्लास को कोई सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करा हो तो वहाँ पर आर्टिकल द को लगाते हैं, प्रॉपर नाउन की सिचुएशन हो, सर्टेन बुक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिक थिंग्स के साथ लगता है ये, प्रॉपर नाउन जो कि एडजेक्टिव के साथ क्वालिफाई हो रहे हो तो वहाँ पर एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नाउन, प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल द को लगा सकते हैं। सुपरलेटिव दाद के फास्ते होते ऑर्डिनल्स के साथ आर्टिकल द लग जाता है, फर्स्ट नाइन्थ सेकेंड, नाउन वो जो कि एम्फेसाइज कर रहा हो जिस तरह वर्ब को एम्फेसाइज कर रहा था, एक वर्ड एडवर्ब इज कॉम्पेटिव, द मोर द मेरियर, द मोर द वॉन्ट, द मोर द गेट, द मोर द वॉन्ट, इन सिचुएशन में ये आर्टिकल द लगता है। तो जी फ्रेंड्स, आज हमने ये चीज़ों को डिस्कस किया, दीज आर सम पर्टेंट क्वेश्चन, इनके अगर आपको आंसर पता हो, पता चल गए होंगे, क्योंकि इस लेक्चर को देखोगे तो दीज ऑल विल बी क्लियर। इन सब के आंसर दें कमेंट में, लाजमी दें, कोशिश करें, और इसकी जो की है इट इज इन डिस्क्रिप्शन। आज यहाँ पर हम समर गिफ्ट को एंड कर रहे हैं, आज हमारी 22 लेक्चर्स कंप्लीट हुए, 22 इंक्लूडिंग मैथ और इंग्लिश दोनों को मिलाकर एंड ऑफ द समर गिफ्ट है, और इस लेक्चर का भी अब एंड है। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो एंड टेल दोस्त। थैंक यू, लास्ट टाइम।